उनके बारे में आप बोलिए। देखा उत्तर भारतीय लोगन खातिर हम लोग हमारे उत्तर भारतीयों के लिए कि सर्वे सर्वा थे, पिता तुल्य थे, अभिभावक थे। न जाने कितने लाखों लोगों का इन्होंने भला किया, कितने लाखों लोगों का रोजगार रोजी रोटी चला। पूर्वांचल से जितने भी थे हर जगह से इन्होंने बसाया, और कई सालों से उत्तर भारतीयों के लिए जब भी, अब बिहारी भी हों, भोजपुरिया जो भी हों, जब भी कोई तकलीफ में उनके उनके द्वारे चल जाए, उनके दरवाजे चल जाए, कभी खाली हाथ नहीं लौटता। सबको नौकरी देना, कई हज़ार लोग थे, 60-70 हज़ार लोग तो उनके पास अभी भी मतलब 60-70 हज़ार लोग नौकरी करते हैं, तो सोचिए करीबन 2-3 लाख लोगों का परिवार चलता है। तो ऐसे लोग और अखबार के माध्यम से मदद करना, ऐसे लोग बहुत कम आज पूरा जैसे महाराष्ट्र में एक सुनापन आ गया, पूरे पूर्वांचल में एक सुनापन आ गया कि इतने बड़े नेता, इतने बड़े अच्छे व्यक्ति, इतने बड़े समाज से उनको खोना। और मेरे पारिवारिक, हमारे पिता तुल्य थे, गीता दीदी मेरी बहन है, संतोष हमारे छोटे भाई, तो मेरा एक पारिवारिक संबंध था। भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए उन्होंने बहुत किया, भोजपुरी सिनेमा को बढ़ाने में उनका अखबार हमारा महानगर ने बहुत मदद की। जब भी कभी भी किसी को कोई ज़रूरत पड़ती थी, आधी रात को देर सवेर इलाज के लिए सबके लिए हमेशा आर एन जी हमेशा खड़े रहते थे। ही वॉज अ ग्रेट मैन, ग्रेट सोल, और ये उम्र नहीं थी उनकी, बट ये बहुत बड़ा लॉस हुआ, एक बहुत बड़ी क्षति हुई, और ये क्षति पता नहीं भगवान जाने कैसे पूरी हुई। हमको नहीं लगता कि अब कोई दूसरे आर एन सी कभी जन्म लेंगे जो एक उत्तर भारतीयों के लिए सदैव खड़े रहते थे, एक निस्वार्थ भाव के साथ सेवा करते थे। तो उनके बारे में मैं पूरी रात आपसे बात कर सकता हूँ। हम क्या कोई भी जो उनके साथ जुड़ा रहा या उनको पर्सनली जानता रहा, जितने बड़े व्यक्ति थे, जितना सब कुछ था उनके पास, कभी उनमें घमंड नहीं था। ही वॉज अ वेरी सिंपल मैन, डाउन टू अर्थ इंसान, ज़मीनी इंसान थे, ज़मीनी नेता रहे, और महादेव से यही चाहूँगा कि अपने चरणों में उनको स्थान दें, और वो जहाँ भी देख रहे हैं अपने परिवार को आशीर्वाद देंगे। परिवार को ले के कैसे चलना, 100-150 लोगों का अपना खुद का परिवार, उसको ले के कैसे चलना, ये भी एक बहुत बड़ी सीख उन्होंने समाज को दी कि एक जॉइंट फैमिली भी साथ में रह सकती है और खुश रह सकती है। जहाँ पे हमेशा आजकल ही पटीदार और ये सब जो बोला हमेशा, उससे कोई बच नहीं पाता, लेकिन उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया कि नहीं, एक परिवार के साथ, एक कुंबे के साथ भी आप तरक्की कर सकते हो और सबको एक साथ बढ़ा सकते हो, उस सबको बढ़ा दी। अभी जो गोरखपुर शहर से 70 किलोमीटर दूर लगभग एक निर्जन गांव में, मतलब जहां पे कई चीज़ों की सुविधाएं नहीं थी, उस